स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10वीं के बायोलॉजी का एक चैप्टर रेस्पिरेशन के बारे में। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करा रखा है, आपने यदि उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में। श्वसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं सारे को मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। देखिए, ये मैंने MCQ फॉर्मेट में लिया है ताकि आप लोगों का MCQ भी कंप्लीट हो जाए और थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी इनके बारे में पता चल पाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में एनर्जी का उत्पादन होता है उन सभी कामों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वह हमारे आहार नाल में जाता है और आहार नाल में जब इसका पाचन कंप्लीट हो जाता है तो स्वांगीकरण के बाद यह ब्लड के साथ मिक्स होकर के शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से गया हुआ ऑक्सीजन गैस भोजन अणुओं के साथ को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे क्या होता है उसमें मौजूद जो एनर्जी होता है वह रिलीज़ हो जाती है। और वह एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है तो उस फॉर्म को बोलते हैं ATP यानी कि एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में पूछा जाता है कि ATP का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ATP के बारे में, सारा क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्लूकोज वसा तथा एमिनो अम्ल के क्रमिक ऑक्सीकरण या विखंडन के बाद उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो ये किस रूप में संचित रहती है, ATP के रूप में संचित रहती है। मैंने जस्ट बताया कि पचे हुए भोजन अणुओं के पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण भोजन अणुओं का होना जरूरी है और ऑक्सीकरण के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वह किस रूप में संचित रहती है, ATP के रूप में संचित रहती है, ATP यानी एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है। देखिए, हमारे शरीर में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कौन है, ATP। ठीक है, चूँकि हमारे शरीर का जिस भी भाग में एनर्जी की ज़रूरत होती है ATP ही क्या करता है, एनर्जी को ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट है, ATP के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः किसका उपयोग करता है। तो देखिए, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण मीन्स क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तभी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हुई मतलब ATP का निर्माण हुआ। ओके, अब ये जो ATP का निर्माण होता है इसके लिए कोशिका किसका यूज़ करता है, तो कोशिका यूज करता है ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का करता है। इसीलिए कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन वही है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन लोग देखते हैं। अगला है, संपूर्ण श्वसन की दो अवस्थाएं हैं, निम्न में कौन सही है। यानी कि देखिए, श्वसन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वह दो कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन सा, एक हो गया आपका YVA और एक हो गया AYVA। ठीक है, ये दो अवस्थाएं हैं। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है श्वसन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो याद रखिएगा दो अवस्थाएं हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है श्वसन की कितनी क्रियाएं हैं, तो क्रिया भी दो ही होता है लेकिन वो अलग होता है। एक होता है प्रश्वास, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, श्वसन की क्रिया में रिलेट करेंगे तो एक प्रश्वास हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा उच्छ्वास। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जब आपसे अवस्था पूछा जाएगा तो YVA और AYVA,
और क्रिया जब पूछता है तो प्रश्वास और उच्छ्वास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इसमें कौन सही नहीं है, तो प्रश्वास। प्रश्वास क्या है, अवस्था नहीं है, क्रिया है। नेक्स्ट है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। जो श्वसन वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन, इंग्लिश में इसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, और कभी कभी ऑक्सीजन श्वसन के नाम से भी इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यह भी याद रखेंगे। ठीक है, वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वह किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए, वायवीय और अवायवीय से रिलेटेड एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप में इसके बीच अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अंतर भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए, मैं अंतर आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, श्वसन की कितनी अवस्थाएँ, दो अवस्थाएँ मैंने दोनों लिख रखा है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई श्वसन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें भोजन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और जैसे ही भोजन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, उससे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, पहले हिस्ट्री समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को अंतर आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होता है, वायवीय श्वसन में भोजन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि श्वसन हो रहा है इसका मतलब है कि भोजन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और जैसे ही पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगी। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। अवायवीय में चलते हैं। अवायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। चूंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है इसका मतलब है कि भोजन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जब भोजन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या होगा, एनर्जी भी कम मात्रा में निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से तीन अंतर आपको पता चल गया। अब चौथा अंतर क्या याद रखेंगे, वायवीय श्वसन में चलते हैं, कि वायवीय श्वसन जो होता है, पहला तो इसका चरण कोशिका द्रव्य में कम्प्लीट होगा। चूंकि सबसे पहले अगर एनर्जी की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो सबसे पहले किसी भी सेल में प्रवेश करता है। तो एक सेल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक सेल है, ठीक है, सेल है, तो सेल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टडी के हिसाब से। एक्सटर्नल जो होता है इसको बोलते क्या है अपन लोग, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसके बीच में लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, या जीव द्रव्य कह लें। ठीक है, और मध्य भाग में क्या होता है, गोलगढ़ा संरचना, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले कोई भी पार्टिकल आएगा तो वो सबसे पहले कोशिका द्रव्य में इन करेगा, उसके बाद इसमें जो भी कोशिकांग होंगे उसमें जाएगा, जाए कि नहीं जाएगा। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि वायवीय श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव्य में और अंतिम चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अवायवीय श्वसन का संपूर्ण चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में ही होता है। तो इस पॉइंट को याद रख के आप अंतर को याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अंतर क्या हो जाएगा मैंने अभी बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो मैंने जस्ट कहा कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है कौन, अवायवीय श्वसन जो है वह आपका कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा अंतिम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो वायवीय श्वसन है इसका प्रथम चरण कहाँ होता है, प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा अंतिम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो चूंकि जब वायु यानी ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो ऑक्सीकरण पूर्ण होगा, तो किस में, तो वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में होता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए यहाँ पर भोजन अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। चलो इसको ऊपर करके देख लेते हैं, किस प्रकार के श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो जिस श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा उसी में क्या होगा, भोजन ज़्यादा यानी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो किस में, वायवीय श्वसन में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है।
तो जिसमें भोजन अणुओं का ऑक्सीडेशन कम होगा उसमें कम ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो किस में होता है? अवायवीय श्वसन में भोजन अणुओं का ऑक्सीडेशन क्या होता है? कम होता है, इसलिए कम ऊर्जा रिलीज होती है। श्वसन क्रिया का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। श्वसन क्रिया का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? पाइरूविक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो देखिए, क्रेब्स चक्र जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहीं पर क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस या फिर बिजली घर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी जस्ट कहा, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला है, कोशिका का सुसाइडल बैग्स किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहने का मतलब होता है आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका का एटम बम, इतने नामों से इसे जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम का होना अनिवार्य है। ओके, सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पाइरूवेट ऑक्सीजन के अभाव में किस में बदल जाता है? तो देखिए, मैं एक चार्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रहा होगा, मैं इसको बारीकी से समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कोशिका में जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, कोशिका में सारे फूड पार्टिकल्स जाते हैं, और कोशिका में जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज का क्या होता है, कोशिका द्रव में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यह किस में? पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, पाइरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद इसके तीन काम होते हैं। तीन काम कब होंगे? एक तो होगा, ये फॉर्मेट देखिएगा क्या है, ऑक्सीजन अणु की उपस्थिति में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन अणु अनुपस्थित होगा तो उसे क्या कहेंगे? अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, और किसकी कोशिकाओं में? यीस्ट कोशिकाओं में। जब ऑक्सीजन अणु की अनुपस्थिति में यीस्ट कोशिका में अगर होता है, ठीक है, यानी कह लें डायरेक्ट अनॉक्सी श्वसन जब यीस्ट कोशिका में होगा, या अनॉक्सी श्वसन जब होगा तब क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? पूछे ये जाते हैं कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, यानी कि अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ? तो हमारी पेशी कोशिका, हमारे जितने भी पेशी कोशिका हैं उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसी लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से क्या होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द देना स्टार्ट करता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बताया, जब ऑक्सीजन के अभाव में यीस्ट कोशिकाओं में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ना, तो इसे किस नाम से जानते हैं? किण्वन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट आपको उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमारी पेशी कोशिकाओं में जब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया का मध्यवर्ती पदार्थ क्या हो गया आपका? पाइरूवेट हो गया। ठीक है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी किस में तो यीस्ट कोशिका में। अगर यीस्ट कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो क्या बनेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा। ओके, अगर हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव है तो लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की यदि उपस्थिति है माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और जल बनेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द या क्रैम्प क्यों महसूस होता है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और इसी के वजह से क्या होता है, दर्द या क्रैम्प देता है। अगला पूछ लेगा कि किण्वन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या, यीस्ट की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन के कारण क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसी को किण्वन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहा गया था,
पाइरूवेट ऑक्सीजन के अभाव में किस में बदल जाता है, तो मैंने बता दिया पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में किस में बदल जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों कहा गया, यानी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पाइरूवेट का ऑक्सीजन के अभाव में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप सब्जेक्टिव टाइप से भी ले सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में किण्वन किसे कहते हैं, तो याद रखना है पाइरूवेट का ऑक्सीजन के अभाव में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशी कोशिकाओं में किसका निर्माण से क्या होता है, दर्द या क्रैम्प देना महसूस होने लगता है। तो किसके निर्माण से, लैक्टिक अम्ल के निर्माण से क्या होता है, दर्द या क्रैम्प देना महसूस होता है। अगला है, पौधे में श्वसन गैस का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए श्वसन गैस का आदान प्रदान यानी कि वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होगा, तो यह होगा आपका विसरण क्रिया के द्वारा। और किस संरचना से, तो ये होता है रंध्र के माध्यम से, यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से क्या होगा, इसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान होगा। चलिए अगला है, पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण किस क्रिया द्वारा लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब वायुमंडलीय गैसों का बात होगा तब विसरण, और जब मिट्टी से एक जल और खनिज लवण का अवशोषण होगा किसके द्वारा, जड़ के मूलरोम के द्वारा, तो परासरण हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे में जंतुओं के अपेक्षा श्वसन की गति होती है, यानी कि पौधों में जो श्वसन होता है और जंतुओं में जो श्वसन होता है इसके बीच अगर हम तुलना करें, तो पौधे में जो श्वसन होता है वह जंतुओं की अपेक्षा क्या होता है, धीमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जंतुओं में सामान्यतः तीन प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, निम्न में कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए फेफड़ा भी होता है, श्वास नली भी होता है, गिल्स भी होता है, लेकिन नसिका जो है वह श्वसन अंग, जो सामान्यतः श्वसन अंग होते हैं वो नहीं है, ये श्वसन का सहायक अंग है जो कि ह्यूमन में या फिर और भी अन्य ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो जंतुओं में तीन प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, निम्न में कौन संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नसिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है, कीटों में किस प्रकार का श्वसन अंग होता है, जितने भी कीट होते हैं, और कीट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, और जंतु जगत का सबसे बड़ा जो फाइलम है वह आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं या कह लें कीट होते हैं, उनमें श्वसन किसके माध्यम से होगा, तो श्वास नली यानी कि ट्रैकिया के माध्यम से होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है, मनुष्य में जो श्वसन होता है उसके लिए कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा, देखिए श्वसन अंगों से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा जो भी जीव स्थल पर है, ठीक है, उनमें फेफड़ा के माध्यम से होगा, और जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं जैसे सांप हो गया आपका, ठीक है, इन सभी में क्या होगा, फेफड़ा के अलावा उनके त्वचा के माध्यम से भी होगा, और जो जीव जल में होंगे उनमें किसके द्वारा होगा, गिल्स में होगा। लेकिन अपवाद में कुछ होते हैं जैसे कि मगरमच्छ वगैरह जो है उनमें फेफड़े के माध्यम से होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो श्वसन होता है तो वह किस अंग के कारण, फेफड़े के कारण। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कोरोना बीमारी यानी कोरोना वायरस के वजह से जो बीमारियां हो रहे हैं उसमें भी कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा ही प्रभावित होता है, क्योंकि वह श्वसन प्रणाली को ही क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, मछलियों में किस प्रकार का श्वसन अंग होता है, तो मछली में क्या होता है, गिल्स पाया जाता है। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब देखिए सांस लेने की प्रक्रिया को मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जो कि गलत है, याद रखिएगा। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रश्वास कहते हैं, ठीक है, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास बोलते हैं। तो अगला प्रश्न वही है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, देख लीजिएगा, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, कितना, 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, कितना, तो 21%। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अगर हम बात करें अक्रिय गैस, तो वो होता है ऑर्गन, 0.94%।
ओके चलिए अगला है श्वासोच्छ्वास सम्मिलित है। तो श्वासोच्छ्वास जो सम्मिलित रूप है वह किसका किसका है? प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों का सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो एग्जाम में पूछा जाता है श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रश्वास तथा उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, प्रश्वास क्या है? सांस लेना, और उच्छ्वास क्या है? सांस छोड़ना। चलिए नेक्स्ट है, मछली किस प्रकार के ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करती है? तो मछली जो है वह जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करता है श्वसन के लिए। ओके, अब एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में श्वसन गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पर उसके लिए आंसर लिख रखा है, आप इसको देख लें। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है? वायुमंडलीय हवा नसिका से होते हुए फेफड़े के वायुकोष में पहुँच जाता है। ठीक है, जहाँ वायुकोष के ऊपर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है जिसमें रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा यानी रक्त परिसंचरण के द्वारा सभी कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां यह पुनः टूटकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कहां पहुंचता है? कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां पर क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है और ऊर्जा रिलीज होती है। उसके बाद उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है विसरण द्वारा कहाँ पहुँचता है? ब्लड में, और ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फिर से क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और परिसंचरण द्वारा फेफड़े तक पहुँचता है, उसके बाद इसे शरीर से बाहर नसिका के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर कि श्वसन गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, तो ये पूरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा फेफड़े के बारे में जान लें। ठीक है, फेफड़ा क्या है? तो फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है, जो दो होता है, संख्या कितनी है? दो होता है, और स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है, जो कहाँ पर स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में, हृदय के इधर उधर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका हृदय होगा मिडिल पीस में, और ये जो आपका नज़र आ रहा है पार्ट, ये पूरा आपका फेफड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र भी बोलता है बनाने के लिए। यदि आप चित्र नहीं बना पाते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बनाने का बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।